Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today lectures fundamentals of neural network. What is neural net? Neural net is an artificial representation of the brain that tries to simulate its learning process. An artificial neural network is often called a neural network or simply neural net. आपको बताते हैं basically neural net जो है एक मशरूम तरीके से हम represent करते हैं इंसानी दिमाग को जो कोशिश करता है learning process को simulate करने की. Artificial neural network जो है इसे हम कहते हैं neural network भी कहते हैं या simply neural net भी कहते हैं. सेकेंड नंबर पे आते हैं. ट्रेडिशनली द वर्ड न्यूरल नेटवर्क इज रेफर्ड टू ए नेटवर्क ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स. लेकिन अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो न्यूरल नेटवर्क को हम रेफर करते थे कि नेटवर्क ये है बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स का इन द नर्वस सिस्टम दैट प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन. जो इंसानी दिमाग जो है उसमें उसे हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं. बेसिकली वो एक नेटवर्क है बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स का. उसका काम क्या है वो प्रोसेस करता है और ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को. नंबर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है हम कह सकते हैं इंटरकनेक्टेड ग्रुप है आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का दैट यूजेस ए मैथमेटिकल मॉडल और कंप्यूटेशनल मॉडल फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बेस्ड ऑन ए कनेक्शनिस्ट अप्रोच टू कंप्यूटेशन. तो हम ये कह सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है बेसिकली वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का एक ग्रुप है जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. और वो क्या यूज़ करते हैं वो मैथमेटिकल मॉडल को यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटेशन मॉडल को यूज़ कर रहे हैं फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करने के लिए. और जो बेस कर रही है अप्रोच कनेक्शनिस्ट अप्रोच है टू कंप्यूटेशन अप्रोच पर. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है आर मेड ऑफ इंटरकनेक्टिंग आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स विच मे शेयर सम प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरॉन नेटवर्क्स. जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वो हम बनाया हुआ है अपने आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करने से. अब वो शेयर कर सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को बायोलॉजिकल न्यूरॉन नेटवर्क्स की. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज ए नेटवर्क है ऑफ सिंपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स का यानी न्यूरॉन्स का विच कैन एक्सिबिट कम्प्लेक्स ग्लोबल बिहेवियर. जो कि हमें बताता है कम्प्लेक्स ग्लोबल बिहेवियर को शो करता है डिटरमाइंड बाय द कनेक्शंस जो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कनेक्शन से बिटवीन द प्रोसेसिंग एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट पैरामीटर्स के दरमियान जो है. यानी हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है एक नेटवर्क है सिंपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स का यानी जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं विच कैन एक्सिबिट कम्प्लेक्स ग्लोबल बिहेवियर. जो कि कम्प्लेक्स ग्लोबल बिहेवियर को साहर करते हैं डिटरमाइन बाय द कनेक्शंस जो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कनेक्शन से जो कि प्रोसेसिंग एलिमेंट्स और एलिमेंट पैरामीटर्स के दरमियान कनेक्शन होता है उसे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं. इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज एन अडॉप्टिव सिस्टम है दैट चेंजेस इट्स स्ट्रक्चर. जो इसके अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है जो बेस कर रहा हो एक्सटर्नल पर या इंटरनल इंफॉर्मेशन पर दैट फ्लोज कर रही है थ्रू द नेटवर्क में से. अब अडॉप्टिव सिस्टम क्या होता है हमने कहा अडॉप्टिव सिस्टम या कम्प्लेक्स अडॉप्टिव सिस्टम जो है एक सिस्टम है दैट चेंज इट्स बिहेवियर इन रिस्पॉन्स ऑफ इट्स इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट के जो रिस्पॉन्स में अपने बिहेवियर को चेंज करें उसे हम कहते हैं ये क्या है अडॉप्टिव सिस्टम है. इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं जी. न्यूरल कंप्यूटर्स मिमिक सर्टेन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन की जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज है उसको ये रिप्रेजेंट करता है. न्यूरल कंप्यूटिंग इज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पैराडिग्म है इंस्पायर्ड बाय बायोलॉजिकल सिस्टम जिसको हमने बायोलॉजिकल सिस्टम को स्टडी करने के बाद बनाया गया है कंपोज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हाईली इंटरकनेक्टेड प्रोसेसिंग एलिमेंट्स यानी न्यूरॉन्स वर्किंग इन यूनिसन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स लाइक पीपल की तरह लर्न बाय
एग्जाम्पल से हम जो उसको सर्च कहते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज कन्फिगर्ड फॉर ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन, एक मखसूस एप्लीकेशन जिसको आप कन्फिगर कर सकते हैं, सच एज पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए या डेटा क्लासिफिकेशन के लिए थ्रू ए लर्निंग प्रोसेस के जरिए। लर्निंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व्स करता है एडजस्टमेंट टू द सिनॉप्टिक कनेक्शंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूरॉन्स। दिस इज ट्रू ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एज वेल। यूनिसन हमने यूज किया हुआ है, ये लीडिंग प्रोवाइडर है सॉफ्टवेयर में यूके में। वाई न्यूरल नेटवर्क? द कन्वेंशनल कंप्यूटर्स आर गुड फॉर फास्ट सिस्टमेटिक एंड डज व्हाट प्रोग्रामर प्रोग्राम्स आस्क देम टू डू। द कन्वेंशनल कंप्यूटर्स आर नॉट सो गुड फॉर इंटरेक्टिंग विद नॉइजी डेटा और डेटा फ्रॉम द एनवायरमेंट। मैसिव पैरेललिज्म, फॉल्ट टॉलरेंस एंड अडॉप्टिंग टू सर्कमस्टांसिस, यानी कन्वेंशनल कंप्यूटर जो थे वो इसके लिए सूटेबल नहीं थे, नॉइजी डेटा के लिए या एनवायरमेंट से जो हम डेटा लेते हैं, मैसिव पैरेललिज्म के लिए, फॉल्ट टॉलरेंस के लिए और अडॉप्टिंग टू सर्कमस्टांसिस के लिए ये सूटेबल नहीं थे। द न्यूरल नेटवर्क सिस्टम हेल्प वेयर वी कैन नॉट फार्मुलेट एन एल्गोरिथम सॉल्यूशन और वेयर वी कैन गेट लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ द बिहेवियर वी रिक्वायर। न्यूरल नेटवर्क जो है हमें वहाँ हेल्प करता है जब हम फार्मूलेट नहीं कर सकते एक एल्गोरिथम सॉल्यूशन को, या वेयर वी कैन गेट लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ द बिहेवियर की एग्जाम्पल्स होती हैं जो हमें दरकार होती हैं। तो न्यूरल नेटवर्क्स फॉलो डिफरेंट पैराडाइम फॉर कंप्यूटिंग। द वोन नुमान मशीन्स आर बेस्ड ऑन द प्रोसेसिंग और मेमोरी अब्स्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। द न्यूरल नेटवर्क्स आर बेस्ड ऑन द पैरेलल आर्किटेक्चर ऑफ बायोलॉजिकल ब्रेन्स। न्यूरल नेटवर्क्स जो है आर ए फॉर्म है मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की, विद सिंपल प्रोसेसिंग एलिमेंट के साथ, हाई डिग्री ऑफ इंटरकनेक्शन के साथ, सिंपल स्केलर मैसेज के साथ एंड अडॉप्टिव इंटरेक्शन बिटवीन एलिमेंट के साथ। अब यहाँ हमने फॉल्ट टॉलरेंस का वर्ड यूज़ किया हुआ। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, इंश्योर्स करती है देयर रिलायबिलिटी को व्हेन सिग्निफिकेंट पोर्शंस ऑफ ए नेटवर्क आर लॉस्ट। अब इंसानी ब्रेन जो है वो किस तरह काम कर रहा है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो आपको बताते हैं, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल न्यूरॉन मॉडल भी कहते हैं इसे। द ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर मोर देन ए बिलियन ऑफ न्यूरॉन सेल्स दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन। एक बात हमें क्लियर होगी कि इंसानी ब्रेन जो है उसमें बिलियन ऑफ न्यूरॉन सेल्स मौजूद हैं और हर एक न्यूरॉन सेल जो है वो एक सिंगल प्रोसेसर के तौर पर काम कर रहा है। द मैसिव इंट्रक्शन बिटवीन ऑल सेल्स एंड देयर पैरेलल प्रोसेसिंग ओनली मेक्स द ब्रेन एबिलिटीज पॉसिबल। देखिए जी, तमाम सेल्स की आपस में जो इंट्रक्शन है उनकी पैरेलल प्रोसेसिंग जो है वो ब्रेन की जो एबिलिटीज है उसको मुमकिन बनाती हैं। अब ये इस डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें डायग्राम में ये जो पार्ट है ऊपर देखें, इसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या हैं? और ब्रांचिंग फाइबर्स हैं डेट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी और सोमा। ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी भी कहते हैं, जैसे सोमा भी कहते हैं, इससे जो एक्सटेंड हो रही है ब्रांचेस उसे हम कहेंगे क्या है, ये डेंड्राइट्स है। सोमा या सेल बॉडी क्या होता है? ऑफ ए न्यूरॉन कंटेन्स अ न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस है, ये देखें ये आपका न्यूक्लियस है इसमें, एंड अदर स्ट्रक्चर इसमें मौजूद हैं जो सपोर्ट करते हैं केमिकल प्रोसेसिंग को, यानी जो सोमा जो है इसने प्रोसेसिंग करनी होती है आपकी, एंड प्रोडक्शन को न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स की। इसके बाद आते हैं नाम एक्सोन क्या होता है, ये देखें ये एक्सोन है जी, ये आपको नजर आ रहा है एक्सोन। एक्सोन क्या है? सिंगुलर फाइबर कैरियर्स इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सोमा टू द सिनाप्टिक साइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन्स, डेंड्राइट्स एंड सोमास, मसल्स आर ग्लैंड्स। एक्सोन बेसिकली क्या है? इंफॉर्मेशन कैरियर है। अब इसने यहां से इंफॉर्मेशन को इसकी तरफ देखी जाना है, ठीक है जी, सिनाप्टिक साइट की तरफ देखी जाएगी, इसे हम कहते हैं एक्सोन। अब आते हैं बात करते हैं एक्सोन हिडलेग क्या है। एक्सोन हिडलेग इज द साइट ऑफ समेशन, ये साइट ऑफ समेशन है इस तरह, ये देखें ये आपको नजर आ रहा है कि दिस इज कॉल्ड एक्सोन हिडलेग। ये क्या कर रहा है? साइट ऑफ समेशन, यानी इसने जहां पे इंफॉर्मेशन को सम अप करना है, फॉर इनकमिंग इंफॉर्मेशन को ये सम अप करेगा। एट एनी मोमेंट द कलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल न्यूरॉन्स दैट कंडक्ट इम्पल्सिस टू ए गिवन न्यूरॉन विल डिटरमाइन वेदर और नॉट एन एक्शन पोटेंशियल
will be initiated at the axon hill leg and propagated along the axon. यानी बेसिकली एक्सोन क्या है, बेसिकली ये यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है आएगी उसको सबको सम अप करेगा, फिर उसका कलेक्टिव इन्फ्लुएंस जो है वह अदर जो न्यूरॉन्स उस पर ये इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट करते हैं, मेलिन शीथ क्या है। मेलिन शीथ कंसिस्ट ऑफ फैट कंटेनिंग सेल्स डैट इंसुलेट द एक्सोन from electrical activity. This insulation acts to increase the rate of transmission of signals. Basically, ये transmission of signals के rate को increase करने के लिए हम मेलिन शीट जो है इस्तेमाल करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सिग्नल का ट्रांसमिशन रेट इंक्रीज हो उसके लिए हम ये शीट इस्तेमाल करेंगे। गैप एग्जिस्ट बिटवीन ईच मेलिन शीट सेल अलोंग द एक्सोन. Since fat inhibits the propagation of elasticity, the signal jump from one gap to the next. Nodes of Ranvier are the gaps between Meller sheet cells along axons are. Since fat serves as a good insulator, the Meller sheets speed the rate of transmission of an electrical impulse along the axon. Basically, जो nodes of Ranvier भी है ये भी जो है transmission के rate को इसकी speed को increase करते हैं, ठीक है जी। Synapse क्या होता है, synapse is the point of connection है between two neurons के दरमियान point of connection है, or a neuron and a muscle के दरमियान or a gland के दरमियान। Electrochemical communication between neurons takes place at these junctions. टर्मिनल बटन्स क्या होते हैं, टर्मिनल बटन्स ऑफ ए न्यूरॉन आर द स्मॉल नोब्स हैं एट द एंड ऑफ द एक्सोन दैट रिलीज केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये स्मॉल नोब्स होते हैं, टर्मिनल बटन्स होते हैं हर एक्सोन के एंड पे होते हैं, जो रिलीज करते हैं केमिकल्स को जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं। अब हम बात कर देते हैं जी इसका इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होता है एक न्यूरो सेल में। बेसिकली होता ये है कि आप जो इनपुट देते हो, ये आपकी इनपुट है, ये डेंड्राइट्स के पास रिसीव करेगा, डेंड्राइट्स आगे देगा ये जो सोमा है जिसे हम सेल बॉडी कहते हैं इसको देगा, ये इसको प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद ये हिडलैक है ये इसको सम अप करेगा, यहाँ पे सम अप करने के बाद ये एक्सोन के जरिए इंफॉर्मेशन को आगे लेके जाएगा, फिर इसी तरह ये इंफॉर्मेशन जो है आगे जो है जो फिर उसी तरह एक न्यूरॉन आगे यहां से जो आउटपुट शो करेगा। अब ये आउटपुट जो है आगे मजीद दूसरा न्यूरॉन सेल होगा उसको उसके लिए इनपुट बन जाएगी, इसी तरह ये प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, डेंड्राइट्स रिसीव एक्टिवेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन। ये डेंड्राइट्स हैं, ये दूसरे जो न्यूरॉन्स हैं उनसे एक्टिवेशन को रिसीव करेंगे। सोमा क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा इनकमिंग एक्टिवेशन को, यानी जो डेंड्राइट से इनपुट मिल रही है उनको ये प्रोसेस करेगा एंड कन्वर्ट्स देम इनटू आउटपुट एक्टिवेशन में उन्हें कन्वर्ट करेगा। एक्सोन क्या करेगा, ट्रांसमिशन लाइन के तौर पे ये काम कर रही है टू सेंड एक्टिवेशन टू अदर न्यूरॉन्स को सेंड करने के लिए। सिनाप्सिस क्या होती है, जंक्शन हैं, अलो करते हैं सिग्नल ट्रांसमिशन को बिटवीन द एक्सोन एंड डेंड्राइट्स के दरमियान। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन इज बाय डिफ्यूजन ऑफ केमिकल्स called neurotransmitters. अब हम बात कर देते हैं जी artificial neuron model क्या होता है। Artificial neuron is a mathematical function conceived as a simple model of a real biological neuron. Basically जो artificial neuron है वो basically एक mathematical function है जिसको हमने receive किया है, जो real biological neuron model है उससे हमने उसको receive किया है। McCulloch Pitts neuron model. This is a simplified model of the real neurons known as a threshold logic unit कहते हैं। इसमें क्या थी, जो आप इनपुट्स देंगे इनपुट को सबसे पहले सम अप किया जाएगा, सम अप के बाद उसके ऊपर जो है फंक्शन जो है एक्टिवेशन फंक्शन को अप्लाई किया जाएगा, एक्टिवेशन फंक्शन के बाद आपको आउटपुट मिलेगी। A set of input connections brings in activations from other neurons. अदर न्यूरॉन से कुछ इनपुट्स आएंगी, ए प्रोसेसिंग यूनिट सम्स द इनपुट्स को सम करेगा, देन अप्लाइज करेगा नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस को, जिस तरह स्क्वैशिंग है, ट्रांसफर है,
ट्रांसफर है, और इसके बाद जो थ्रीशोल्ड फंक्शन है, एन आउटपुट लाइन जो है वो ट्रांसमिट करेगी रिजल्ट को टू अदर न्यूरॉन्स को. इन अदर वर्ड्स द इनपुट टू ए न्यूरॉन अराइव्स इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, द सिग्नल बिल्ड अप इन द सेल, फाइनली द सेल डिस्चार्ज, द सेल फायर्स थ्रू द आउटपुट, द सेल कैन स्टार्ट बिल्डिंग अप सिग्नल्स अगेन. ठीक है जी, ये सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स होंगे, ये आपके सम अप होंगे, यहाँ एक्टिवेशन फंक्शन को अपन अप्लाई होंगे, इसके बाद सिग्नल को फायर आउट फायर कर दिया जाएगा. ठीक है जनाब, अब ये सिग्नल दोबारा जो है वो बिल्डन होंगे अगेन, नेक्स्ट के लिए इनपुट बनेंगे, इसी तरह जैसे प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगा. लुक एट दिस डायग्राम, बेसिक थ्री कंपोनेंट्स हैं, यानी इनपुट्स हमारे पास हैं, ये हमारे पास इनपुट्स हैं, और ये हमारे पास वेट्स हैं, और ये हमारे पास सिग्मा है सम अप करने के लिए. इसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन को अप्लाई करेंगे, थ्रेशोल्ड उसका कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद आपको आउटपुट मिल जाएगी W1, W2, so on, Wn वेट्स हैं टू डिटरमाइन करने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ इनपुट वेक्टर. जो आप इनपुट वेक्टर दे रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए हम वेट्स यूज करते हैं. X इज इक्वल टू X1 है, X2 है, so on, XN है, ये इसका T लिखा हुआ ट्रांसपोज है. ईच इनपुट इज मल्टीप्लाइड बाय द एसोसिएटेड वेट, हर इनपुट को हम मल्टीप्लाइड करेंगे उसके वेट के साथ, ताकि हमें एक्स टी इन टू डब्ल्यू हम कैलकुलेट कर सकें. द पॉजिटिव वेट जो है एक्साइट्स होगा, और नेगेटिव वेट जो है वो इनहिबिट्स करेगा नोड आउटपुट को. अब हम इसी चीज को अगर हम नीचे इसकी फार्मूले में करें तो ये देखें, X1 इंटू W1 प्लस X2 इंटू W2, अगर ऊपर जाएं आप, X1 इंटू W1 प्लस X2 इंटू W2 सो ऑन XN इंटू WN इज इक्वल टू सिग्मा. सिग्मा कहाँ से स्टार्ट, I इज इक्वल टू 1 से लेके N तक. ठीक है जी, ये नीचे देखा हुआ है, I इज इक्वल टू 1 से लेके N तक XI और WI, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा. इसके बाद वेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं जी, द वैल्यूज W1, W2, सो ऑन, WN आर वेट्स टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ इनपुट वैक्टर्स. ईच इनपुट इज मल्टीप्लाइड बाय द एसोसिएटेड वेट ऑफ द न्यूरॉन कनेक्शंस. द पॉजिटिव वेट एक्साइट्स एंड नेगेटिव वेट इनहिबिट्स द आउट नोड आउटपुट. ये देखें आपके सामने वही फार्मूला है जो हमने पहले को बताया था. अब हम थ्रीशोल्ड की बात कर लेते हैं. नोड्स इंटरनल थ्रीशोल्ड फाइ जिसे कहते हैं, इज द मैग्नीट्यूड ऑफसेट है. इट अफेक्ट्स द एक्टिवेशन ऑफ द नोड आउटपुट वाई. ये अफेक्ट्स करेगा जो एक्टिवेशन की आउटपुट, उसको अफेक्ट करेगा. कैसे, फार्मूला क्या होगा, वाई इज इक्वल टू हम करेंगे के F इज इक्वल टू सिग्मा, I इज इक्वल टू 1 से N एक्स आई डब्ल्यू आई जो अभी हमने कैलकुलेट किया वेट, माइनस करेंगे फाइ जो थ्रीशोल्ड है. द जनरल टू जनरेट द फाइनल आउटपुट वाई, द सम इज पास टू ए नॉन लीनियर फिल्टर F, उसमें से इसको फिल्टर किया जाएगा, कॉल्ड एक्टिवेशन फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन और सक्वैश फंक्शन, विच रिलीज द आउटपुट, जो आपको आउटपुट रिलीज करेगा. इसके बाद अभी थ्रीशोल्ड फायर न्यूरॉन क्या होता है. न्यूरॉन जर्नी डू नॉट फायर, न्यूरॉन जो फायर नहीं करते, प्रोड्यूस एन आउटपुट अनलेस देयर टोटल इनपुट गोज अबव ए थ्रीशोल्ड वैल्यू. उनकी टोटल इनपुट जो है वो एक थ्रीशोल्ड वैल्यू से अबव हो. टोटल इनपुट फॉर ईच न्यूरॉन इज द सम ऑफ वेटेड इनपुट्स टू द न्यूरॉन माइनस इट्स थ्रीशोल्ड वैल्यू. दिस इज देन पास्ड थ्रू ए द सिग्मोडल फंक्शंस. द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसमिशन इन न्यूरॉन इज, ए आपको दिया गया है 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, वेयर एक्स क्या है, सिग्मा ए आई डब्ल्यू आई माइनस क्यू. ए का मतलब क्या है, एक्टिवेशन फॉर द न्यूरॉन, ए आई इज द एक्टिवेशन फॉर न्यूरॉन आई, डब्ल्यू क्या इज द वेट है, क्यू क्या इज द थ्रेशोल्ड जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें से. इसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन परफॉर्म्स ए मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द सिग्नल आउटपुट. द मोस्ट कॉमन एक्टिवेशन फंक्शंस कौन कौन से हैं, लीनियर फंक्शन है, पीस वाइज लीनियर फंक्शन है, टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन है, थ्रीशोल्ड फंक्शन है, और सिग्मोडल एस शेप्ड फंक्शंस हैं. द एक्टिवेशन फंक्शन चूजन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व बाय द नेटवर्क. नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है. ओवर द ईयर्स रिसर्चर्स ट्राइड सेवरल फंक्शंस to convert the input into the output. The most commonly used functions are described below. Horizontal axis shows sum of inputs. Vertical axis shows the value of the function produced
output. All functions f are designed to produce values between 0 and 1. Threshold function की बात कर देते हैं. Threshold जिसे हम कहते हैं hard limiter activation function भी कहते हैं. Binary type में भी होता है ये वाला और bipolar में भी होता है. पहले हम बात कर लेते हैं binary threshold में क्या होता है. Binary से नाम से जाहिर है कि दो ही values होंगी 1 और 0. इसका मतलब इसकी output जो है वो दो ही हो सकती है, या 1 हो सकती है या 0 हो सकती है. 1 कब आएगी? जब आप जो inputs हैं, जब आप sum आप calculate करते हो, if the valid sum of the inputs is positive होगा तब आएगी 1, अगर negative होगा तब आएगी 0. I अगर greater equal है 0 से तब 1 आएगी, अगर I हमारा less है 0 से तब 0 आएगी, दो ही आएगी. Bipolar में क्या होता है? Bipolar में अगर valid sum जो है of the inputs का positive है तो 1 आएगी, अगर negative है तो minus 1 आएगी. ठीक है जी, next करते हैं. Piecewise linear function क्या होता है? Piecewise में क्या होता है? ये नीचे आप आ रहे हैं जी. Minus 1 कब होगा? Negative weighted sum of inputs. अगर negative में result आ रहा है तो minus 1 होगा, अगर positive में result आ रहा है तो 1 होगा. अगर जो है proportional है to input for values between plus 1 और minus 1 के दरमियान में है तो only 1 आएगा. आप देख लेते हैं, अगर I greater equal है 0 से तो 1 आएगा, अगर I जो है वो greater equal है 1 से लेकिन less equal है minus 1 से तो result 1 आएगा, अगर I जो है less है 0 से तो result minus 1 आएगा. यौन एग्जांपल ले लेते हैं. ये हमारे पास x हैं, ये हमारे पास वेट्स हैं, इनपुट्स हैं, ये सिग्मा है, ये एक्टिवेशन फंक्शन है जो y है. अब आपके सामने हमने xt, xt का मतलब ट्रांसपोज है, ये कॉलम में लिखा हुआ है, आपने इसको रो में लिख दिया 1 2 5 8 into वेट. अब आपको दिया गया है 1 1 minus 1 2. अब आपने इसको 1 को 1 के साथ ये आ गया प्लस फार्मूले का, 2 को 1 के साथ ये आ गया प्लस फार्मूले का, 5 को 1 minus 1 के साथ ये आ गया प्लस फार्मूले का, 8 को 2 के साथ ये आ गया, ये रिजल्ट आएगा 14 आपके पास आ जाएगा. ठीक है जी. अब क्योंकि ये हम बाइनरी एक्टिवेशन को यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका रिजल्ट जो है वो 0 से अबव है, पॉजिटिव रिजल्ट है तो रिजल्ट 1 आएगा. तो अब हमारे पास जो रिजल्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन 1 आएगा, क्योंकि हम बाइनरी जो है वो एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं. यस करते हैं जी. सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क क्या होता है? देखिए जी, सिंगल लेयर फीड नेटवर्क ये होता है कि जो आपके इनपुट्स हैं, ये इनपुट्स हैं आपकी x1 x2 x1 xn, इन इनपुट्स को आपने डायरेक्टली कनेक्ट करना है आउटपुट के साथ. ठीक है जी. देखें आप, ये x1 है, इसको आपने, लेकिन जब कनेक्ट करेंगे एक इनपुट जो है वो एवरी आउटपुट के साथ कनेक्ट होगी, जिस तरह हमने ये किया है. x1 है, इसको हमने इसके साथ भी कनेक्ट किया, फिर हमने इसको इसके साथ भी कनेक्ट किया हुआ है, इसको हमने इसके साथ भी कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है जी. तो हम इसको वेट कैसे देंगे? बेसिकली ये 1, ये वाला 1 और 1, ये भी 1 1, फिर इसके बाद वेट 1, ये 1 नहीं रहेगा, और ये कौन सा है? 2 है, तो 1 2 वेट इसका हो गया. अब इसको हम लास्ट को साथ कनेक्ट करेंगे, ये 1 है और ये कौन सा m है, तो इसका वेट क्या होगा? 1 m. सिमिलरली हम सबको इसी तरह कनेक्ट करेंगे, इसे हम कहते हैं सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क. नेक्स्ट आते हैं जी, मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में क्या है? इसमें यह है कि आप जो इनपुट्स हैं उसको आप डायरेक्टली जो है आउटपुट के साथ कनेक्ट नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हो कि आप जो इनपुट्स हैं उनको आप डायरेक्टली कनेक्ट करोगे किसके साथ? हिडन लेयर के साथ. फिर उस हिडन लेयर को आप डायरेक्टली कनेक्ट करोगे किसके साथ? आउटपुट लेयर के साथ. दिस इज कॉल्ड मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क. इस तरह आप देखते हैं, एक्स वन को मैंने कनेक्ट किया है, हर जो हिडन लेयर है उसके हर जो कंपोनेंट के साथ हमने कनेक्ट करना है. देखें, x1 को मैंने y1 के साथ कनेक्ट किया, इसका नाम बन गया v11. फिर हमने x1 को लास्ट वन के साथ कनेक्ट किया है, इसका नाम बन गया ये 1, ये वाला, और m ये वाला 1m, v1m. इसी तरह जो हिडन लेयर के जो होंगे उसको हम न्यूरॉन, हम उसको हर एक को हमने हर एक के साथ आउटपुट के साथ कनेक्ट करना है. ठीक है जी, यस करते हैं. अब इसका फार्मूला क्या है जी? बेसिकली व्हाट इज द फार्मूला ऑफ दिस? एल का मतलब इनपुट न्यूरॉन्स है, और एम का मतलब हिडन लेयर्स है, और जो हिडन लेयर्स है, और एम वन का मतलब फर्स्ट हिडन लेयर्स है, और एम टू सेकेंड हिडन लेयर्स है, और जो एन है उसके हम कहते हैं आउटपुट न्यूरॉन्स है. अब हम बात कर देते हैं जी यहां पे. रिकरेंट नेटवर्क्स क्या होता है जी?
रिकरेंट नेटवर्क्स डिफर है फ्रॉम फीड फॉरवर्ड नेटवर्क से। रिकरेंट नेटवर्क का मतलब क्या है, एज एटलीस्ट वन फीडबैक लूप। इसमें क्या हो, एक जो है फीडबैक लूप हो। आप ये देखो, सेम वही नेटवर्क था जो प्रीवियस आपने पढ़ा, इसमें क्या है, ये जो है हमने आउटपुट को हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है किसके साथ, इनपुट के साथ। फिर हमने आउटपुट को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है इनपुट के साथ, आउटपुट को हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है आउटपुट के साथ। कम से कम एक लूप लाजमी होना चाहिए, इसे हम कहेंगे रिकरेंट नेटवर्क्स है। हम पढ़ते हैं जी, व्हाट इज परसेप्ट्रॉन, क्या होता है। ए परसेप्ट्रॉन इज ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरन सिस्टम। इट टेक्स ए वेक्टर ऑफ रियल वैल्यूड इनपुट्स, कैलकुलेट्स ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इनपुट्स, देन आउटपुट्स ए वन इफ द रिजल्ट इज ग्रेटर देन ए थ्रेशोल्ड एंड माइनस वन अदरवाइज। इसमें क्या होगा जी, हम वही हम इसके ऊपर हम मुख्तलिफ जो है फंक्शंस को अप्लाई करेंगे, उसकी बेसिस के ऊपर हम बताएंगे कि कौन सा जो है आपका रिजल्ट आएगा। ये एग्जांपल लेते हैं, इसकी डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास जो है इनपुट्स हैं, इनपुट्स क्या क्या हैं जी, एक्स नॉट है, एक्स वन है, एक्स टू है, सो ऑन एक्स एन है। अब ये वेट दिया हुआ डब्ल्यू नॉट, W1, W2, WN, so on। इसके बाद सिग्मा आपने फाइंड किया, सिग्मा कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रही तो आई हमारा जीरो आएगा, लास्ट वैल्यू कहाँ तक जा रही है, एन तक जा रही है, तो ऊपर वैल्यू एन आएगा। WI into XI, क्योंकि हम यहाँ आई से स्टार्ट करें तो वही वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसके ऊपर आप एक्टिवेशन फंक्शन को अप्लाई करोगे। अब एक्टिवेशन फंक्शन में क्या है, अगर इसका रिजल्ट जीरो से ग्रेटर है तो वन आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, माइनस वन आएगा। या इसको भी यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखें अगर ग्रेटर जीरो से आ रहा है तो वन आएगा, अदरवाइज माइनस वन आ जाएगा। वेट्स हम कैसे अपडेट करेंगे, डब्ल्यू आई इज इक्वल होगा डब्ल्यू आई प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यानी इस तरह हम इसका वेट अपडेट करेंगे। वेयर डेल्टा डब्ल्यू का मतलब क्या है, लर्निंग स्पीड है, इंटू डी, डी का मतलब डिजायर्ड आउटपुट है, माइनस सिग्मा जो हम कैलकुलेट करेंगे, इंटू एक्स आई है। अब ये देखें एक्स हमारे पास 0.8 है, लर्निंग स्पीड हमारे पास 0.1 है, डिजायर्ड आउटपुट 1 है, और जो सिग्मा दिया गया वो माइनस 1 है। तो वेट अपडेट कैसे होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1 माइनस माइनस 1 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 0.16 है, ठीक है। सिमिलर लर्निंग हम इसके लिए भी निकाल सकते हैं, डी हमारे पास माइनस 1 है और ओ हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे रिजल्ट देंगे कि 0.1 आ जाएगा इंटू माइनस वन माइनस वन इंटू 0.8 इज इक्वल टू माइनस 0.16। अब एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, ये बहुत एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में ये है कि हम इसमें ये हमारे पास इनपुट्स हैं, ये हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट हैं, ये हमारे पास इनिशियल वेट है, और ये हमें लर्निंग स्पीड जो है गिवन दी गई है। अब सबसे पहले आपने ये आपने इनपुट लिख ली, एक्स वन को लिखा है 101, और ये हमारे पास जो वेट है W1 जो हमने यहाँ लिखा हुआ है 1-1 0, ठीक है जी। अब हमने इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 0 आ जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0 आ जाएगा, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। अब क्योंकि ये 1 जो है वो ग्रेटर है 0 से, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें 1 मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। ये हमें रिजल्ट यहाँ पे 1 मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, क्योंकि जो इन सब को मल्टीप्लाइड और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो 1 आ रहा है, और जो 1 रिजल्ट है वो 0 से ग्रेटर है, तब इसलिए हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1, क्योंकि बाइनरी हम सिग्मोइडल फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, या 1 होगा या 0 होगा। अब आपने कहना है क्या है कि ये सिग्मा 1 लिखा हुआ है, ये जो अजय रिजल्ट आपने लिखा 1, अब इसको आपने टैली करना है किसके साथ, डी1 के साथ। D1 भी 0 है, ये 1 है, दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होंगे तो आप न्यू वेट को कैलकुलेट करोगे। यही बेसिकली यहाँ W1 है, तो हमने यहाँ W0 लिख लेंगे स्टार्ट पे, हम W1 यहाँ पे लिख लेते हैं। W1 इज इक्वल टू W0 प्लस लर्निंग स्पीड D1 माइनस O1 इंटू X1, जिसे हम सिग्मा भी कहते हैं, सिग्मा ही है। अब W0 हमारे पास क्या है, जो अभी दिया हुआ है, देखें ये आपने रो में लिखा हो, इसको आपने लिखना कॉलम में, 1-1 0 प्लस, ये प्लस आ गया। लर्निंग स्पीड क्या है, 0.1 है, ये आ गया। D1 क्या है, जो अभी आपने ये देखें D1 0 है, ये आ गया। माइनस सिग्मा जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये वाला 1 है। और X1 क्या है, X1 को आपने ये लिखा हुआ रो में, आपने इसको लिखना है कॉलम में, 1 0 1,
इसको अब सॉल्व करेंगे, रिजल्ट हमारे पास ये है। कैसे आप सॉल्व करेंगे, नीचे मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये देखिए 1 - 1 जीरो इसी तरह आ जाएगा। अब आपने क्या किया, 0 - 1 इसमें से करेंगे -1 आएगा, -1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे +0.1 के साथ, तो क्या आ जाएगा -0.1, और ये कॉलम सेकंड वाला इसी तरह साथ आ जाएगा इज इक्वल साइन। फिर हम क्या किया, हमने इसको मैंने ये लिख लिया है। अब मैंने -0.1 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया है तो माइनस इसी तरह आ जाएगा, यहाँ 0.1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0.1 आ जाएगा। अब मैंने इन सबको माइनस किया है तो कैसे करेंगे, 1 - 0.1 0.9 आ गया, -1 - 0 -1 आ जाएगा, 0 - 0.1 - 0.1 आ जाएगा। ऐसे करते हैं। अब हमने हमारे पास ये आपके सामने वेट आ चुका है जो अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था, 0.9 - 1 - 0.1। अब हम x2 लेंगे, x1 हम पहले ले चुके हैं, x2 हमारे पास ये है, इसके बाद हमारे पास w2 जो है 0.9 - 1 - 0.1 ये है। इसी तरह आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस फिर करेंगे 1 आ जाएगा, फिर प्लस 0.1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.1 जो है वो ग्रेटर है किससे, 0 से, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए 1 जो है, d2 भी 1 है, और सिग्मा जो हमने फाइंड किया अभी सिग्मा 2 वो भी 1 है, दोनों 1 है, दोनों का रिजल्ट इक्वल आ रहा है। जब रिजल्ट इक्वल आएगा तो w3 हमारे पास क्यों होगा, जो w2 है वही हमारा w3 होगा। यस करते हैं, ये हमारा w2 जो था वही w3 हमारे पास सेम वही आ गया। अब हम x3 लेंगे, x3 हमारे पास ये है, w3 हमारे पास ये है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, आप करके दिखाते हैं, ये करेंगे, ये क्या आ जाएगा, -0.9 आ जाएगा, ये +0.5 आ जाएगा, और ये +0.1 आ जाएगा, 0.1 ये भी जीरो प्लस का है, 0.5 0.6 हो जाएगा, 0.6 में से -0.9 निकालेंगे तो ये -0.3 आएगा जो 0 से बिलो है, तो रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे 0 लिख दिया है। अब आप देखें इसको टैली करते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ये 0 है, d3 हमारा 1 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो आप नया वेट कैलकुलेट करोगे। कैसे करो कैलकुलेट करेंगे, w4 इज इक्वल टू w3, जो फार्मूला को पहले बताया वही है, लर्निंग स्पीड d3 -o3 इंटू x3। w3 हमारे पास क्या है जनाब, ये 0.9 है, -1 है, -0.1 है, प्लस लर्निंग स्पीड क्या है, 0.1 है, इसके बाद 1 - 0 है, इसके बाद जनाब -1 है, -0.5 है, -1 इज इक्वल टू 0.8 -0.05 -0.2। ठीक है जी, तो इसके बाद ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये इसे कहेंगे एंड ऑफ ईपोक 1, यानी हमने आपने एक आइट्रेशन जो है उसको आपने अभी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट करते हैं, इसी तरह आप जो है ये w4 आ जाएगा, w4 हमारे पास ये आ चुका है जो अभी हमने निकाला है। अब x1 हमारे पास ये है, w4 हमारे पास ये है, ठीक है जी, इसी तरह हम वैसे ही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, हमारे पास रिजल्ट जो है वो 0 से ग्रेटर आएगा तो 1 आ गया। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो नया वेट हम फिर कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली ये आपने कैलकुलेट किया, इसी तरह w5 करेंगे, w6 करेंगे। अब जब हम 6 कर लेंगे इसका मतलब एंड ऑफ ईपोक 2, हमने 2 आइट्रेशन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक आप देखें जो हमारा वेट है वो बेसिकली हमारा डिक्रीज हो रहा है, ये देखें पहले वेट 1 था, फिर -1 था, 0 है, ये देखें 1 से 0.9 हो रहा है, फिर आस्ता आस्ता डिक्रीज की तरफ जा रहा है, हमारा ये वेट डिक्रीज होना चाहिए, -1 है, ये देखें ये डिक्रीज हो रहा है, ये भी 0 से ये भी डिक्रीज हो रहा है, सब आपके डिक्रीज होंगे एंड ऑफ ईपोक 2। फिर नेक्स्ट करते हैं जी आइट्रेशन, नेक्स्ट आइट्रेशन में सिमिलरली आपने x1 से फिर स्टार्ट कर देना है, d1 और w7 फिर आपने किया, ये दोनों इक्वल नहीं है, आपने नया वेट कैलकुलेट किया और आपके पास देखें ये आपके सामने आ गया जी, और ये चीज़ आ गई है, और w8 आपके सामने ये आ चुका है। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि आपने ये मुकदरा जो है वो आपने ये फाइंड आउट कर चुके हैं। यस करते हैं, दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब w8 जो था वही हमारा w9 होगा। अब नेक्स्ट कर देते हैं,
एंड ऑफ ईपोक थ्री, एंड ऑफ ईपोक थ्री, यहाँ इटरेशन नंबर थ्री आपने कंप्लीट कर ली है। आप देखें आस्ता आस्ता आप मजीद देखें कि आपका जो है ये वेट डिक्रीज हो रहा है अभी भी, ठीक है जी। नेक्स्ट कर देते हैं, फिर एक एक्स वन के साथ एक्स टू के साथ वही तरीका अपनाएंगे। हमने ये दोनों इक्वल नहीं है, हमने वन निकाला, वन आया ये, वो डी जो हमारा जीरो है, दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या होगा जनाब, नया वेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने ये चीज आ जाएगी। नेक्स्ट करते हैं, ये आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे फिर इसी तरह, एंड ऑफ ईपोक फोर, ठीक है जी। आप देख रहे हैं कि 0.6, 0.5, अब 0.5 से वो डिक्रीज नहीं हो रहा, देखिए 0.5 है, फिर 0.5 आ गया, और -1.05, अगेन -1.05 आ गया, और -0.5, फिर -1.0। जब तीनों बिल्कुल सेम आ जाए वेट हमारे, तो उस वक्त हम ये डी एंड कर देंगे। इसका मतलब है ये मजीद जो है ये डिक्रीज नहीं हो सकता। एंड ऑफ ईपोक फोर, ये हमारा जो है रिजल्ट था। थैंक्स।